तो यार आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओप्पो F17 डिवाइस में कलर ओएस 11.1 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट कब तक प्रोवाइड किया जाएगा। ओप्पो की तरफ से बिका जेजुमेनो फायदा आपको पता होगा, कलर ओएस 11.1 का ऑफिशियल फेडोल में पहले ही देखने को मिल गया था जब ओप्पो F17 डिवाइस लॉन्च हुआ था। फिर यार काफी सारे यूजर अभी भी कंफ्यूजन में है कि भैया ये अपडेट हमारे डिवाइस में कब तक प्रोवाइड किया जाएगा। ओप्पो की तरफ से फ्यार हो सके तो वीडियो को इन तक वॉच कीजिएगा, बिकॉज में भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंफर्म कर दूं कि आपकी डिवाइस में फरवरी 2021 में कलर ओएस 11.1 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई मंथ स्टार्ट होता है ना, जैसे कि जनवरी स्टार्ट हुआ था तो उसमें एक ऑफिशियल शेड्यूल फिर से देखने को मिलता है कि इस मंथ में इन सभी डिवाइसों को ये अपडेट प्रोवाइड होगा। उफी के साथ ही साथ फरवरी जब स्टार्ट हुआ तो ओप्पो की तरफ से कलर ओएस की तरफ से एक ऑफिशियल शेड्यूल प्रोवाइड किया गया फरवरी 2021 का, जहां पे हमें मेंशन किया हुआ देखने को मिल जाता है कि फरवरी 2021 में इंडिया में कोई भी डिवाइसों को अपडेट नहीं मिलेगा फर्स्ट बैच बीटा अपडेट। एंड जो डिवाइसों को कलर ओएस 11.1 का बीटा अपडेट ऑलरेडी मिल चुका है, लाइक दैट ओप्पो रेनो 2F, 10X जूम, ओप्पो F15, इन सभी डिवाइसों में ऑनगोइंग फो कर रहे हैं, मतलब आपकी डिवाइस में ये अपडेट फरवरी 21st में कभी भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि भैया ओप्पो F17 डिवाइस में कलर ओएस 11.1 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट प्रोवाइड होगा कब भैया? तो भैया यहां पे ये अपडेट आपके डिवाइस में फर्स्ट क्वार्टर में ही देखने को मिल जाएगा। हालांकि जहां तक रही बात फर्स्ट क्वार्टर की, तो क्वार्टर 3 मंथ के होते हैं, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो यहां पे फरवरी एंड हो जाएगा बट आपके डिवाइस में अपडेट नहीं मिलेगा। एंड मार्च 2021 में काफी सारी डिवाइसों को कलर ओएस 11.1 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा कलर ओएस की तरफ से, लाइक दैट ओप्पो F17, ओप्पो रेनो 2Z, रेनो 2, इन सभी डिवाइसों में कलर ओएस 11.1 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट देखने को मिल जाएगा मार्च 2021 में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भैया इस अपडेट का प्रोसेस क्या होगा जिससे हमारे डिवाइस में कलर ओएस 11.1 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट देखने को मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज वहां पे अप्रॉक्स 3000 यूजर एक्टिव रहते हैं, तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से फोन में कौन सा अपडेट देखने को मिल रहा है। एंड आप भी अपने फोन के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर के बीटा फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपकी डिवाइस में कलर ओएस 11.1 का बीटा अपडेट मिल सके। बीटा फॉर्म क्या होता है सबसे पहले देखो, जब अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा कौन सी डेट को आएगा, जब ये कंफर्म किया जाएगा कलर ओएस की तरफ से मैं आपको न्यू वीडियो के थ्रू जरूर से बता दूंगा। एंड उसी के साथ ही साथ फिर आपको जाना होगा अपने फोन की सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट में। ऊपर की दाहिनी तरफ साइड में आपको एक सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपकी डिवाइस में बीटा वर्जन पे होगा, बीटा वर्जन पे टैप करने के बाद आपकी डिवाइस में कलर ओएस 11.1 बीटा वर्जन पे होगा, वहां पे आपको करना होगा टैप। टैप करने के बाद आपकी डिवाइस में एंड्रॉइड 11 का बीटा फॉर्म ओपन हो जाएगा। एंड्रॉइड 11 मतलब कलर ओएस 11, कलर ओएस 11 का जो अपडेट है आपको एंड्रॉइड 11 पे बेड होके देखने को मिलेगा। एंड फिर वहां पे वो जो बीटा फॉर्म ओपन हो जाएगा उसको आपको करना होगा फिल। फिल करने के लिए आप अपने फोन का फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी डिवाइस में मे बी अंडर रिव्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर अप्रूव होगा एंड पास्ड होगा, एंड कुछ यूजर का फॉर्म भी रिजेक्ट होगा। जिनका फॉर्म अप्रूव या फिर पास्ड हो जाएगा उनके डिवाइस में ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपकी डिवाइस में भी यह कलर ओएस 11.1 का बीटा अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओप्पो की तरफ वैसे रिजेक्ट तो अधिकांश नहीं होता, बट कुछ यूजर का रिजेक्ट भी कर दिया जाता है कलर ओएस की तरफ से। अगर आपका फोन रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी डिवाइस में अपडेट नहीं मिलेगा। अगर आपका फॉर्म अप्रूव या फिर पास्ड हो गया तो आपकी डिवाइस में कंफर्म है कि अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा ओप्पो इंडिया की तरफ से। देन यार ये रहा इसका पूरा फंडा, अपडेट कब आएगा, कैसे आएगा, आपको कहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सब कुछ मैंने बता दिया। एंड यार वीडियो चली वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। एंड इसी के साथ ही साथ भी यार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ही लो एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो।